हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं मधु MR किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम हमारी किचन में बना रहे हैं चौलाई के पत्तों की सब्जी। चौलाई की सब्जी को हम बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे। यह चौलाई की सब्जी फ्रेंड्स बनने के बाद आप सभी को बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, चौलाई के अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा केजी चौलाई के पत्ते लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये चौलाई के पत्ते एकदम कच्चे हैं और मैंने इन्हें इस तरह से तोड़ कर लिया है। फ्रेंड्स, चौलाई के पत्तों को मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार अच्छे पानी से धोकर साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स, चौलाई 2 तरह की होती है, एक रेड कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ली है। गाँव में चौलाई के पत्तों की सब्जी को बहुत पसंद करते हैं और इसे वहाँ पर बनाते भी बहुत हैं। फ्रेंड्स, अब तो हमें चौलाई के पत्ते सिटी में भी मिल जाते हैं, तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को आप भी ट्राई कर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चौलाई के पत्तों के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू के मैंने यहाँ पर छिलके निकाल लिए हैं और इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और हमारा तेल यहाँ पर गर्म होकर तैयार है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरे की डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जीरा यहाँ पर क्रैकल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग हमारी सब्जी के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। अब मैंने यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, उसे मैंने यहाँ पर क्रश कर डाल लिया है। फ्रेंड्स, अब हम लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक सौटे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर आलू डालेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर 3 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, ढक्कन लगाने से यह होगा कि हमारे आलू जल्दी ही पककर तैयार हो जाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू यहाँ पर लगभग पककर तैयार हैं और इनका कलर भी यहाँ चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। एक बार फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से इसे ढक्कन लगाकर कुछ देर के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हम चौलाई की सब्जी को बिना पानी डाले बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम कढ़ाई का ढक्कन हटाकर उसे चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आलू और टमाटर लगभग पककर तैयार हैं। फ्रेंड्स, हम इस सब्जी को बहुत ही कम मसालों से बनाकर तैयार कर रहे हैं और ये सब्जी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मिर्ची पाउडर डाला है। एक बार फिर से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मसाले भी पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चौलाई के पत्ते डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चौलाई के पत्तों को रफली चॉप कर डाला है। अब हम यहाँ पर सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी।
फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। चौलाई के पत्ते की सब्ज़ी बनाते समय आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, चौलाई के पत्ते हमेशा कच्चे ही लें। अगर पक्के पत्ते की आप सब्ज़ी बनाएंगे तो वह सब्ज़ी पकने में भी समय लेगी और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख दूँगी। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, हम सब्ज़ी को एक बार ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी देखने में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। यह सब्ज़ी देखने में भी सुंदर है तो खाने में भी टेस्टी और हेल्दी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप आलू को थोड़ा सा मैश कर ले सब्ज़ी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम सब्ज़ी के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मैंने सब्ज़ी के अंदर गरम मसाला डाल लिया है और एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी यहाँ पर तैयार है। हम कुछ देर के लिए इसके ऊपर एक बार और फिर से ढक्कन लगाकर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ढक्कन हटा दिया है और हमारी सब्ज़ी यहाँ पर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को सर्व भी कर लिया है। इस सब्ज़ी को आप चपाती, रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी देखने में जितनी सुंदर है तो खाने में भी उतनी टेस्टी और हेल्दी भी है। तो एक बार इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर करें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।